और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। उनको बराबरी की जगह बैठाने का काम किया। ऐसे व्यक्ति का जो हम सब पूजा करते हैं, ये सच्चाई है कि उनकी ऊंचाई तक कोई नेता पहुंच नहीं सकता। मुझे खुशी है इस बात की कि हर राजनीतिक दल उनके कार्यक्रमों से, उनके रास्ते से प्रभावित रहता है। करोड़ों हमारे लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और समय समय पर जब जरूरत मिली है उन्हें प्रेरणा मिली है। इसलिए ऐसे बड़े व्यक्तित्व का जितना सम्मान कर सकें वो कम होगा। हम समाजवादी लोग, हम भरोसा दिलाते हैं, आज तो इस कार्यालय में मना रहे हैं, हमारी पार्टी जगह जगह पूरे प्रदेश में मना रही है परिनिर्वाण दिवस। हम आपको भरोसा दिलाते हैं हर वर्ष और अच्छा मनाने का काम करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम पहुंच सकें। आज जो वातावरण है, आज जो माहौल है, वहां अधिकारों को छीना जा रहा है। जो अधिकार हमें मिले एक एक करके अधिकार छीने जा रहे हैं। कभी कोई कल्पना कर सकता था जो हमारा पेट भरता है, जो हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसके साथ इतनी बड़ी खिलवाड़। हजारों लाखों की संख्या में दिल्ली के पास बैठे हैं इतनी कड़ाके की सर्दी में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और बताइए, हमसे, आपसे, न जाने कितने लोगों से उन्होंने यही वोट लिया, कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपकी पैदावार का जो आय होती है उसको बढ़ा देंगे, आय को दोगुना कर देंगे। आय दोगुना तो हुई नहीं, लेकिन ऐसे कानून आ गए हैं जिससे हमारे गरीब और किसानों को कुछ मिल नहीं सकता। कहीं ना कहीं ऐसी ताकतों को और बड़ी ताकतों को, जो पैसे वाले लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको मौका देने जा रही है सरकार। और तमाम ऐसे अधिकार जो हमें आपको मिले हैं उनको छीन रही है सरकार। ये मुद्दे पे चुनाव नहीं हो रहा, कहने को तो मुद्दे पे चुनाव होता है, लेकिन सरकार बताओ कहां खींच करके ले जाती है। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है, अगर उस रास्ते पर राजनीति होगी तो हमारे बहुत सारे पिछड़े लोग, दलित लोग, और जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने सपना देखा था, वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। पढ़ाई में अधिकार छीने जा रहे हैं, नौकरियों में अधिकार छीने जा रहे हैं, नौकरियों में और आगे बढ़ सकें उसके भी अधिकार छीने जा रहे हैं। इसलिए आज जरूरी होता है कि हम सब लोग मिलकर के जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने रास्ता दिखाया था उस रास्ते पे चलें, और पॉलिटिकल जो हमें ताकत दी उन्होंने, जो पॉलिटिकल अधिकार दिया, ये अगर किसी की देन है तो हमारे भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है कि जिन्होंने हमें पॉलिटिकल आजादी भी दे दी। कोई कुछ भी कहे, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म तीनों साथ साथ चलेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। एक भी चीज कमजोर होगी तो हमारा देश नहीं चल सकता। अगर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म को कोई नहीं पूछेगा। अगर सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा तो डेमोक्रेसी और कोई पूछेगा नहीं। इसलिए तीनों को बराबर लेकर के चलने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। जो संविधान बना है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को लेकर के आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से परिनिर्माण दिवस हम लोग और अच्छा मनाएंगे। आज तो कार्यालय में बैठ करके मना रहे हैं क्योंकि कोविड का समय है, ज्यादा लोग बुला भी नहीं सकते हैं। ये बीमारी ऐसी है कि जो दिखाई नहीं दे रही है, और भारत में तो इसका पता नहीं लग रहा। टीवी देखोगे तो बीमारी दिखेगी, चर्चा में रहोगे तो दिखाई देगी बीमारी है, लेकिन जैसे ही हम इधर उधर चले जाते हैं, किसी कार्यक्रम में चले जाओ तो बीमारी का पता ही नहीं कि बीमारी है भी कि नहीं है। लेकिन हम कहना चाहते हैं इस बीमारी ने दुनिया को परेशान किया है, ये बीमारी है,
ये बीमारी बड़े पैमाने पर लोगों की जान ले रही है। आज भी सुनने में आया है कि पूर्व सांसद है, उनके परिवार में सभी सदस्यों को हो गया, उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई, या जगह जगह सुनने को मिलता है कि बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए, उनकी जान भी जा रही है। इसलिए सावधान रह करके हमें अपने काम करते रहना पड़ेगा। सावधानी ही सबसे बड़ी बात है। अगर हम सावधानी रखेंगे तो इस बीमारी से दूर रह सकते हैं और बचाव भी रख सकते हैं। इसलिए हमें खुशी है इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। संजय सागर जी, बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके आने से समाजवादी पार्टी में, और पूरे के पूरे आसपास पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा। साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग हैं जो बहुत लंबी सूची है, जिसमें कि संजय सागर जी आप परिचय हो ही गया, किशोर कुमार जी हैं, परशुराम बौद्ध जी हैं, डॉक्टर सोचन भारती जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, प्रोफेसर सरोज त्यागी जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, लच्छी राम प्रसाद जी, डॉक्टर सुब्बा राम जी, रामचंद्र जी उर्फ छोटू, शिव राम प्रधान जी, देवेंद्र कुमार जी, गणेश राम जी, पीसी राम जी, अशोक प्रधान, सूर्यनाथ जी, प्रेमचंद पंगज जी, परमहंस मीडिया प्रभारी विधानसभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना, सिंधु भाई, यशवंत राम जी, जनार्दन उर्फ जालिम भाई, राम दर्श मास्टर जी, राजेश कुमार जी, सुरेश बागी जी, अशोक मास्टर जी, संजय कुमार, अशोक कुमार जी, राम नगीना जी, राम रामानंद जी, रामायण जी, सुनील, वीरेंद्र कुमार, चंद्रभान जी, सुरेश बागी जी, राम बदन, रामकरण, रमेश कुमार, राजदेव, दीपांकर बौद्ध जी, डॉक्टर विनय कुमार, रामवता चौधरी जी, राम प्रसाद जी, दीपचंद, रामचंद जी, कुलदीप, अरुण कुमार, गौरव कुमार, राजीव कुमार, भूषण, हमारे नामा राशि अखिलेश कुमार, दिनेश कुमार, रमेश भारती, शिव कुमार, हरेंद्र श्री राम, और राम किशन, रणविजय, देवनाथ जी, प्रमोद भास्कर जी, पलकधारी, गोपीचंद जी, शिवाजी, जयप्रकाश जी, अशोक कुमार, हरेंद्र कुमार प्रधान जी, गुड्डू कुमार, विशाल कुमार, बाल जीवन चौहान, सहती राम, सूर्या कुमार, मुन्ना राव और लाल बिहारी भारती जी, पूर्व प्रधान। अच्छा अच्छा, जो नाम नहीं हो गया नाम दे देना, हम फिर बोल देंगे बाद में, क्योंकि उस हॉल में भी लोग बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। और साथ ही साथ हमारे समाजवादी पार्टी का समर्थन जिनको था, और बनारस में सबसे पहले जिनका परिणाम आया, जब ये पहली बार मुझे मिले तो इन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं आपकी पार्टी से। तो हमने उनसे कहा कि अगर लड़ना चाहते हो तो हमारी पार्टी तो कभी जीती नहीं है, लेकिन उस समय जो भरोसा था इनमें, उम्र जरूर ज्यादा है लेकिन जो जोश दिखाई दिया उसकी वजह से ही हमने उसी समय तय कर लिया कि हाँ, हमारी पार्टी से आप ही लड़ेंगे। और उसका परिणाम यह हुआ कि आज लाल बिहारी यादव जी आज हमारे बीच हैं, जो जीत करके आए हैं। मैं इनको और इनके साथ जितने भी सहयोगी साथी हमारे जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, और जो नहीं आ पाए बड़ी संख्या में इनके साथी, समाजवादी पार्टी के साथी जिन्होंने सहयोग किया, मदद की, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव होता है बिना संगठन के, बिना पर्चे के संभव नहीं है जीतना। और साथ ही साथ आशुतोष सिन्हा जो दूसरे साथी इनके साथ चुनाव लड़ रहे थे, वो भी वहां से जीते हैं। हम दोनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि जहां से जीते हैं ये, हाँ पार्टी का समर्थन है लेकिन चुनाव चिन्ह नहीं होता है, नाम ही होता है। हाँ पार्टी के समर्थित बोला जाता है, पार्टी का समर्थित बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हैं, अधिकृत प्रत्याशी, लेकिन चिन्ह नहीं होता है, नाम पे ही वोट पड़ता है। हाँ सिंबल नहीं होता, हाँ पार्टी का समर्थित प्रत्याशी या अधिकृत। तो दोनों समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जीते हैं, आशुतोष सिन्हा और हमारे लाल बिहारी यादव जी। मैं इनको दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और साथ ही अपने नेता कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए, झांसी का तीसरे वो आएंगे खट्टे।